हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट ऑफलाइन पिक्सल आर्ट गेम्स। ये गेम्स हर किसी ने एक ना एक बार जरूर से खेले होंगे और काफी पसंद भी किए होंगे। इन गेम्स में भले ही हमें ज्यादा हाई ग्राफिक्स देखने को ना मिले, पर फिर भी ये गेम्स काफी मजेदार होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस जल्दी से मिल जाए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं 5th नंबर वाले गेम के बारे में, जिसका नाम है पिक्सल कप सोकर। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहने वाला है। गेम का जो साइज है वो 477 MB रहेगा। गेम के विजुअल्स अच्छे है। गेम के कंट्रोल्स काफी आसान और बढ़िया है। गेम में डिफरेंट टाइप के मोड्स है, जिसमें फ्रेंडली मैच, टूर्नामेंट्स और करियर मोड शामिल है। करियर मोड में आप एक फुटबॉल मैनेजर को प्ले करते हैं, जिसका काम टीम को बनाकर उसे मैनेज करना होता है। गेम में आपको 20 से भी ज्यादा नेशनल टीम्स देखने को मिलती है, जिसमें स्पेन, ब्राजील, मैक्सिको, यूरुग्वे, बेल्जियम, जर्मनी, आइवरी कोस्ट और अल्जीरिया जैसी डिफरेंट कंट्रीज की टीम शामिल है। इसके अलावा गेम में मल्टीप्लेयर का भी फीचर है। ये एक पेड गेम है, पर ओवरऑल आपको इसे खेलने में मजा जरूर आएगा। तो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं माय लिस्ट के नंबर 4th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है टर्निप बॉय कमिट्स टैक्स इवेजन। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहने वाला है। गेम का जो साइज है वो सिर्फ 80 MB रहेगा। गेम की ग्राफिक्स ठीक ठाक है। गेम का कॉम्बैट काफी आसान पर बढ़िया है। गेम में हमारा कैरेक्टर सलगम के जैसा दिखता है, और इसके अलावा गेम के दूसरे कैरेक्टर्स भी सब्जियों की तरह दिखते हैं, जिससे गेम को थोड़ा फनी टाइप बनाने की कोशिश की गई है। गेम की स्टोरी की बात करें तो आपका कैरेक्टर, जो कि एक सलगम जैसा दिखता है, वो टैक्स को चोरी करता है। जब वो मेयर अनियन को टैक्स देने से मना करता है, तब टर्निप बॉय पर मेयर अनियन का डेट चढ़ जाता है और उसे मेयर अनियन का सर्वेंट बनना पड़ता है। मेयर अनियन फिर से अलग अलग टास्क देता है। ओवरऑल ये काफी अच्छा गेम है। तो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं माय लिस्ट के नंबर 3rd वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है किंगडम 2 क्राउन्स। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहने वाला है। गेम का जो साइज है वो 1.3 GB रहेगा। गेम की ग्राफिक्स थोड़ी रेट्रो टाइप सी है, पर फिर भी गेम की ग्राफिक्स काफी अच्छी है। गेम में ज्यादा स्टोरी तो नहीं है, बस आपका कैरेक्टर किसी किंगडम का राजा होता है और उसे अपने किंगडम को संभालना होता है। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि आपको ग्रेमलिन नाम के क्रिएचर्स से लड़ना पड़ता है, जो कि आपके किंगडम पर हमला करते हैं। ये क्रिएचर्स पोर्टल्स के जरिए आपकी दुनिया में आते हैं, और जैसे जैसे रात बीतती है, ये क्रिएचर्स बढ़ते जाते हैं, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है। गेम में मल्टीपल आइलैंड्स होते हैं, और अगर आप किसी आइलैंड को लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। ये भी एक पेड गेम है, पर ओवरऑल ये काफ़ी फन गेम है। तो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे इसके नंबर 2nd वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है फोरेजर। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहने वाला है। गेम का जो साइज है वो 132 MB रहेगा। गेम की ग्राफिक्स अच्छी है और गेम के विजुअल्स बढ़िया है। गेम का कॉम्बैट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गेम काफ़ी हद तक माइनक्राफ्ट के जैसा है। आप इसे 2D माइनक्राफ्ट भी कह सकते हैं, पर जो चीज़ इसे माइनक्राफ्ट से अलग बनाती है वो ये है कि आप इसमें आइलैंड्स को खरीद सकते हैं। शुरुआत में आपको एक छोटा सा आइलैंड मिलता है, और आप लगभग 49 आइलैंड्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा गेम में स्किल ट्री भी होता है, जिसमें आप डिफरेंट स्किल्स को अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि फार्मिंग, माइनिंग एक्सेट्रा, और अपने प्लेयर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। गेम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग है। ये एक पेड गेम है, पर ओवरऑल आपको इसे खेलने में मज़ा जरूर आएगा। तो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं माय लिस्ट के नंबर 1st वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है हंट डाउन। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहने वाला है। गेम का जो साइज है वो 400 MB रहेगा। गेम की ग्राफिक्स बढ़िया है। गेम की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। गेम की स्टोरी की बात करें तो फ्यूचर में दुनिया पोस्ट अपोक्लिप्टिक मेयहम का शिकार बन जाती है, और गैंग्स और किलर सड़कों पर राज करते हैं और सिविलियंस को परेशान करते हैं। ऐसे में लोगों को पुलिस की मदद लेनी पड़ती है, पर पुलिस भी क्रिमिनल्स की तरह करप्ट होती है। इसलिए सिटी को बचाने के लिए लोगों को 3 बाउंटी हंटर्स, एनाकोंडा, जॉन सेवियर और मोमैन का सहारा लेना पड़ता है, जो कि गेम के मेन कैरेक्टर्स हैं। गेम में लगभग 20 लेवल्स होते हैं। गेम में 2 तरह के मोड्स हैं, जिसमें सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर मोड भी शामिल है।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।